एक हो गया ब्राह्मण, एक हो गया क्षत्रिय, एक हो गया वैश्य, तो एक हो गया शूद्र, और दलित और तो हो गया अछूत। ये तो वर्ण व्यवस्था में थे ही नहीं, तो यादव क्या है? यादव शूद्र हैं। हाँ, रहे ही ना, उनके समय में यही रहा है ना, जो पुरानी वर्ण व्यवस्था बनाई है इन लोगों ने, तो उसमें तो शूद्र ही बना के किया है ना। और वैश्य में माने बनिया आ जाते हैं, कई बार ये लोग कहते थे कि वैश्य में यादव ही थे, लेकिन उसमें नहीं मिला। वो पिछले में यादव है कि नहीं? नहीं नहीं यार, इसे बाद में अपने को करने लगे, हर आदमी का अपने को जो सिंह लिखने लगा, यह करने लगा, ये प्रदर्शन की बात बेमतलब का। उनके जमाने में तो वह केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही रहा, और शूद्रों में अति शूद्र यानी अनटचेबल दलित। हाँ, लालू मुला में बहुत फर्क है। वही फर्क क्या फर्क है सर? फर्क यह है कि लालू तो बहुत ही समाजवादी, पढ़े भी लिखे, शिक्षित भी रहे हैं, और आंदोलन को ढंग से देखते रहे। और लालू तो ऐसे था ना कि वह तो पूरा बहुजन समाज, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे बिहार का हो, सब उसके द्वारा जो है आंदोलित हुआ। जो पसमानदा हैं, जैसे हमारे यहाँ दलित होते हैं हिंदू समाज में, वो पसमानदा हैं, वो कन्वर्टेड हिंदू हैं सब। हमारे साथ हैं प्रोफेसर चौथीराम यादव जी, और बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है अब बहुजनों की राजनीति होने लगी है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं सर कि हम शूद्र हैं। हम क्या हैं, शूद्र हैं कि नहीं है? उधर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम छोटी जाति के हैं। अगर हम सब हिंदू हैं तो बड़ा छोटा कैसे है? तो छोटा बोलता है कोई, निम्न बोलता है। यादव क्या है सर, यादव छोटी जाति शूद्र है या? इसकी चर्चा ही क्यों हो रही है? वही तो राजनीति में हो रही है, बस राजनीति की बात है। राजनीति में सब राजनीतिक कर बुला रहे हैं, सारे के सारे भाजपा कर रही है, सबका सब राजनीति के तहत कर रही है, जो सारा का सारा चल रहा है। ये दलितों को करना, दलित का राष्ट्रपति बनाना, इसका जो बनाना था आदिवासी को बना देना, ये क्या है किसी पे? उनके उसके कोई सहानुभूति? सिर्फ वोट लेने के लिए, दलितों का वोट लेने के लिए उनको बना दिया, उनका लिए ये बना दिया। और इधर अब पसमानदा का मुस्लिम में, हाँ मुस्लिम में नहीं, पसमानदा कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो उनको पहले मुस्लिम कहते थे, मुस्लिम कहने में वो नहीं है, क्योंकि जो अपर कास्ट मुस्लिम है, जो अशरफिया मुसलमान है, वो तो उनके साथ अपना है ही है। जो पसमानदा हैं, जैसे हमारे यहाँ दलित होते हैं हिंदू समाज में, वो पसमानदा हैं, वो कन्वर्टेड हिंदू हैं सब। अब जैसे एक है लोहार है, वहाँ सलमानी गैर सलमानी बन गया, लेकिन लोहा पीटता था, यहाँ वहाँ भी कर रहा है, धोबी वाला काम, नाई वाला काम, नाई काम है। तो हम अखिलेश यादव जिस तरह से बोल रहे हैं हम शूद्र हैं, जैसे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो सीएम हाउस को गंगा जल छिड़क के पवित्र किया गया था, तब भी कितना किया गया, तब क्यों नहीं बोले? तो किया गया था ना, फिर उनकी टोटी चोर कहा गया, सारी बातें कही गई। तो उन लोगों ने कई बार कहा कि देखिए आप शूद्र भाई उसमें से कह रहे हैं, तो जो पुरानी जात व्यवस्था थी उसके हिसाब से तो शूद्र हम ही लोगों कहा गया है, यादव शूद्र पिछड़ी जातियाँ, यादव का सवाल नहीं है, पिछड़ी। देखिए एक हो गया ब्राह्मण, एक हो गया क्षत्रिय, एक हो गया वैश्य, तो एक हो गया शूद्र, और दलित और तो हो गया अछूत। ये तो वर्ण व्यवस्था में थे ही नहीं, तो यादव क्या है? ओबीसी में है, पिछड़ी जाती है। फुले ने जो माना का ना कि शूद्राति शूद्र नाम दिया है, शूद्राति शूद्र वर्ण, यानी शूद्र माने पिछड़ा और अति शूद्र माने दलित। अच्छा, तो हाँ, यादव शूद्र हैं। हाँ, रहे ही ना, उनके समय में यही रहा है ना, जो पुरानी वर्ण व्यवस्था बनाई है इन लोगों ने, तो उसमें तो शूद्र ही बना के किया है ना। और वैश्य में माने बनिया आ जाते हैं, कई बार ये लोग कहते थे कि वैश्य में यादव ही थे, लेकिन उसमें नहीं मिला। वो पिछले में यादव है कि नहीं? नहीं नहीं यार, इसे बाद में अपने को करने लगे, हर आदमी का अपने को जो सिंह लिखने लगा, यह करने लगा, ये प्रदर्शन की बात बेमतलब का। उनके जमाने में तो वह केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही रहा, और शूद्रों में अति शूद्र यानी अनटचेबल दलित। हाँ, दलित जो अनटचेबल शूद्रों में हो गया, वह अति शूद्र का लेने, तो यह रहा है वहाँ उस समय की सच्चाई है। अब जो नया संविधान बना, और उसमें से यह बना कि ओबीसी एससी एसटी ये बनाएंगे, ये तो आज का है। और नए कानून से जैसे वो है कबीर है, हम लोग सोचे थे इतना सताया हुआ, इतना पीड़ा हुआ, तो दलित होंगे वहाँ से, यही चल रहा था। अब जो चूंकि वह ओबीसी में आ गए जुलाहे, तो जुलाहे जब ओबीसी में आ गए तो लोग कबीर को ओबीसी का मान के चल रहे हैं, तो ये बड़ा सब बदलाव होता रहा है उसके हिसाब से रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव जिसे कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, अब उनको तब पता चला जब गंगा जल से छिड़का गया, छिड़कने के बाद लोगों ने कहना शुरू किया, उनको भी हुआ। देखिए कई बार दलित लोग उनके यहाँ मिले, और एक बार हमारे यहाँ दलित लोग का पूरा संगठन आए, डॉक्टर साहब एक बार चलिए वहाँ बात कर ली जाए, और अखिलेश से कहा जाए हम लोग करेंगे। हमने कहा मैं क्यों जाऊँ, आप लोग जाइए,
मुझे अगर वह बुलाएंगे या कहेंगे तब मैं जाऊँ, मैं ऐसे थोड़ा कर जाऊँगा, आ जाऊँगा वहाँ। तो कहा नहीं, वो चाहते हैं कि अच्छा सब इकट्ठा हो, मैं चाहते हैं तो आप लोगों को बुलाए वहाँ, क्यों करें, सलाह तो कभी लिया ही नहीं उन लोगों ने, अपना सलाहकार समिति तो बनाया ही नहीं, नहीं तो होता क्यों। तो वह करें बड़ी अच्छी, और भला उनका तभी होगा जब अम्बेडकर और उनका क्या नाम उनको लेकर चलेंगे, यार खुले, हाँ फिर यार खुले और अम्बेडकर को लेकर चलेंगे। आप उसमें अधिक से अधिक मान्य कर दिए कि आपके जो समाजवादी हैं क्या नाम उनका लोहिया, लोहिया उनको भी जोड़ सकते हैं, हाँ ठीक है। तो समाजवादी और लोहिया और माने अम्बेडकर को, बिना अम्बेडकर को जोड़े तो आप नहीं सकते। और वो जो है क्या नाम जिसकी बात आपका तेजस्वी जो है जब उसको हुआ बहुत ज़्यादा ताजा जी सर, क्या बोले नहीं, इन लोगों ने पहले जब ये आंदोलन हुआ उसका जब हुआ तो उसने अपने बैनर पर जो है अम्बेडकर का फोटो भी लगाया और उसके साथ अपना लगा चल रहा था, जब उसका उसका था क्या नाम जिसकी हत्या मैंने प्रकाश रोहित बेमुला, रोहित बेमुला का, तो रोहित बेमुला के बाद जो आंदोलन चला और पूरे देश में चला जो है, तो बिहार में भी गया, बिहार में राजद का जो उप नवयुवक थे इन लोगों ने, तो इन लोगों ने एकदम अम्बेडकर का फोटो लगा करके उनके साथ होकर और पूरे के हिसाब से उसके साथ खड़े हुए हैं। और उन लोगों में ज़्यादा समझदारी है, वो लालू का प्रभाव है, इनकी जो स्थिति है वह मुलायम सिंह से ही नहीं है, तो लालू मुलायम में बहुत फ़र्क है, वही फ़र्क क्या फ़र्क है सर? फ़र्क यह है कि लालू तो बहुत ही समाजवादी, पढ़े भी लिखे, शिक्षित भी रहे हैं और आंदोलन को ढंग से देखते रहे, लालू समाजवादी कहने को रहे हैं लेकिन न समाजवाद से कोई मतलब रहा न पढ़ा, हाई स्कूल के अध्यापक थे लेकिन प्रतिबद्ध थे अपना पिछड़ों चोड़ों दलितों चोड़ों के बाद में अपना करना था, यह फ़र्क था। और लालू तो ऐसे था ना कि वह तो पूरा बहुजन समाज चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे बिहार का हो सब उसके द्वारा जो है आंदोलित हुआ, जो महागठबंधन वहाँ चला तो लालू न होते तो महागठबंधन नीतीश कुमार के द्वारा वो नहीं संभव था, वो तो लालू के तो हो गया जिनकी पार्टी खत्म हो जाएगी उसमें ये नहीं करेंगे, वही सब आएगा वहाँ, यही हो रहा था ना उस समय, हम लोग याद है जब महागठबंधन हुआ, लेकिन महागठबंधन सफल ही नहीं हुआ बल्कि लालू की पार्टी नंबर एक आई, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, जबकि वारा खत्म, यानी नीतीश रहेंगे और इसका बीजेपी का रहेगा, वो जो उससे जुड़े दलित जुड़े ड्यू टू लालू जुड़े किसके नाते आए, लालू जी के नाम पे आज भी दलित जुड़ता है, बहुत जुड़ता है उनके नाम पर, अरे वो थे जो मुसहर मुसहर की लड़की बूढ़ी थी ना कौन थी जिसको ले संसद में बैठा दिया, वो जो वहाँ रहती थी, नहीं तो वो तो पहले से विधायक थी जिनकी आप बात करें, हाँ तो बाद में सांसद में गए वहाँ से उसको बात किया, पत्थर तोड़ने वाली, हाँ भगवतिया देवी के बारे में, हाँ भगवतिया देवी वही, वो तो पहले दो बार विधायक रह चुकी थी उसके बाद लालू जी सांसद वही मरे ले गए टिकट दिए, तो उसके बाद विधायक रही उसके बाद सांसद में दे गए, और विधायक होने में भी शायद उनकी भूमिका रही है वहाँ से, नहीं 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 पहले दूसरी पार्टी से, तो उसका रहा होगा उनका क्या नाम, वो अलग एक पार्टी थी सर, कौन सी पार्टी थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से वो विधायक बन चुकी थी उसके बाद लालू यादव आरजेडी से टिकट दिए, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो वही समाजवादी पार्टी हो गई बारह चट्टी। तो अभी जो राजनीति हो रही है उस पर क्या कहेंगे सर, उत्तर प्रदेश में भी अब राजनीति इसी तरह होने लगी, बहुजन की राजनीति, बिहार में भी जो तेजस्वी यादव ए टू जेड कह रहे थे उसको क्या, ए टू जेड ये नहीं कर रहे हैं, बहुजन की बात तो हम लोग 10 साल से कर रहे हैं, बहुजन साहित्य की बात है, जेएनयू हम लोगों ने बहुजन साहित्य संघ स्थापित किया, बहुजन साहित्य जो है उस पर वो सबक गया, लेकिन हम जान रहे हैं कि तब बहुजन इकट्ठा होने सबसे बड़ी बात है कि उसका समाज तो बने, ओबीसी समाज खुद ही नहीं बन पा रहा है, जितनी जातियाँ उतनी तरह के लोग हो रहे हैं, तो बहुजन का मतलब कि दलित ओबीसी माइनॉरिटी नहीं, उसको आदिवासी अर्थ में नहीं आते, आदिवासी का स्वयं स्वायत्त समाज है ना, वो कैसे आएंगे, हम अपना जोड़ लेते हैं लेकिन उनका वो हिंदू धर्म से उससे कोई मतलब नहीं, हिंदू धर्म को कोई पाखंड उनके भीतर नहीं है, अब इन्हीं लोग जाकर के वहाँ बस रहे हैं माने जोड़ रहे हैं, उनके आदिवासी इलाकों में राम हनुमान मंदिर ये सब वहाँ बैठा रहे हैं और उनको बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं, कुछ पैसा देकर सब कर रहे हैं जैसा होता है, और उनको मजबूरन करें कि आप अपना हिंदू धर्म लिखो, जैसे जब नागरिकता वाला कानून बना है तो उसमें फार्म बनाएगा तो फार्म में लिखा ना होता है कि आप किस धर्म के मानने वाले हैं, उनका कोई धर्म है उनका क्या है, प्रकृति वाला उनके पूजक है उनके, और उनकी उनकी ज़मीन का क्या है, आपका होगा खतिया खसरा होगा खतियोनी होगी ज़मीन के मालिक आप हैं या आप जवाब देंगे, उनका तो प्रकृति का मिला हुआ है, उनके तो वो तो पत्थरगढ़ी चलता है, पत्थरगढ़ी का एक पुरखे ने आकर के यहाँ पत्थरगढ़ी किया,
जहाँ जितने जमीन पर किया वो उतना गांव बन गया। अब उनका वो जमीन पर वक्फ हो गया, पत्थर जड़ी उनका निशान है, वही उनके पास। तो सरना धर्म को मानते हैं? सरना धर्म तो होता है प्रकृति, वही प्रकृति धर्म माने सरना धर्म, प्रकृति का धर्म उनका जो है, माने उस तरह का पौरोहित वाला वो सब नहीं होता उनका। पत्थर एक पत्थर वो होता है पत्थर वाला क्या करते हैं जो कि वो उस तरह का कार्य करता है सामूहिक वाले। अच्छा एक सवाल, रामचरित मानस पे जो विवाद हो रहा है सर, उस पर क्या कहें? वो तो होगा ही उसमें, कुंठित लोगों की भरा हुआ है, उन्हीं लोगों का साम्राज्य भरा पड़ा है तो करेंगे ही। बल्कि तो जब से देखे हैं, जब तुलसी का नाम लेता था वहाँ सारा का सारा पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज सबका तो अपमानित किया, स्त्रियों को अपमानित किया है, ये तो रहा ही बराबर। हमने तो बचपन के हमने उस पर नाम तुलसीदास को मैंने लिया ही नहीं, लिखा ही नहीं उस पर। तो इसलिए जो है उस पर चलना है तो चलेगा, और चलेगा इसलिए कि इनका जो चुनाव आ रहा है उसमें इनकी तुलसी वाली जो बहुत काफ़ी नीचे चली गई थी, थोड़ा उठाने की कोशिश कर रहे थे बेकार का, क्योंकि सारे तर्क जो है हमारे सामने हैं वह तो भाववादी आधार पर तर्क है। नाना पुराण निगमागम की बात कर रहे हैं, अपने समय समाज की बात कहाँ कर रहे हैं? अपने समय समाज की जो बात है उसको कलयुग के रूप में कर रहे हैं। समय समाज में जो विकास हुआ है उस रूप में हुआ है तो उसको कलयुग के रूप में कर रहे हैं। इस पर तो मैंने बहुत लंबा लिखा है ना, अवतार बात का समाजशास्त्र और लोक धर्म, तुलसी और कबीर को सामने रखते हुए मैंने पूरा का पूरा किया सर। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोफेसर तुलसीराम यादव जी से जो बातचीत की उससे आप कितने सहमत हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।